हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मूवी एक्सप्लेनर YT। तो अगर आप एक मॉन्स्टर वर्स के फैन हो तो आपको गॉडजिला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट तो पता होना ही चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम गॉडजिला के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट और थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिनमें से 90% लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस ना करने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम गॉडजिला के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले गॉडजिला का नाम तोहो ने गॉडजिला रखा था, जो दो वर्ड गोगीरा मतलब गोरिल्ला और कुजीरा मतलब व्हेल को मिलाकर बनाया गया था। मतलब गोजीरा का मीनिंग जापानीज में गोरिल्ला व्हेल था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके गॉडजिला रखा गया था। तो 1954 की पहला गॉडजिला मूवी उस टाइम में जापान का मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी था, और मूवी रिलीज होने के बाद ये उस टाइम का सबसे ज्यादा इनकम करने वाला मूवी भी बन गया था। तो की हर मूवीज में गॉडजिला को सिर्फ एक ही वेपन से मारा जा सकता था, और वो है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि लेजेंडरी गॉडजिला कोतो मूवी के अंदर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को भी रेजिस्ट कर लिया था, और उससे कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब लेजेंडरी गॉडजिला पहली बार ये हिस्ट्री को क्रिएट किया था। जापान का गॉडजिला मूवी उस टाइम पहले ऐसा मॉन्स्टर मूवी बना रहा था जिसके वजह से जापान मूवी दुनिया भर में पॉपुलर हो पाए थे, और लोग भी गॉडजिला के वजह से जापान के कल्चर को ज्यादा पहचानने लगे थे। इसी वजह से 1954 में गॉडजिला कैरेक्टर को जापान सिटीजनशिप का अवार्ड भी दिया गया था, जो पहला फ्रिक्शनल कैरेक्टर था जिसे कंट्री का रेसिडेंसी मिला था। इतना ही नहीं, मूवी में गॉडजिला के कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखकर 1996 में गॉडजिला को MTV लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, जो आज तक एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर को मिलना एक इम्पॉसिबल ही है। और लॉस एंजलिस के हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अंदर बड़े बड़े एक्टर्स के नाम के साथ साथ गॉडजिला का भी नेम स्टार के अंदर लिखा गया है। और इन सभी फैक्ट से आपको पता चल ही रहा होगा कि एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर होने के बाद भी गॉडजिला का दुनिया भर में कितना ज्यादा ही रेपुटेशन है। गॉडजिला के पॉपुलैरिटी को देखकर 1998 में अमेरिका ने गॉडजिला का एक रीमेक बनाने की कोशिश किया था, लेकिन मूवी फ्लॉप होने के बाद तो ने इस कैरेक्टर का कॉपीराइट को फिर से वापस ले लिया, और अपने गॉडजिला की रेपुटेशन को बचाने के लिए तो ने इस कैरेक्टर के नाम से गॉड को हटाकर सिर्फ जिला रख दिया था। लेकिन तोहो जिला के हिस्ट्री को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला को गॉडजिला फाइनल वार में फिर से नॉकआउट भी कर दिया था। 1992 में तोहो के स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट से गॉडजिला का सूट जिसे मूवी के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता था उसे चोरी कर लिया गया था। फिर कुछ हफ्ते के बाद वो गॉडजिला का सूट एक लेडी को मिला जो बहुत ही खराब हालत में था। तो बाद में तोहो स्टूडियो ने इस सूट को अंडर वाटर सीन के लिए यूज करने लगे थे। गॉडजिला के अर्ली डिजाइन के टाइम में तोहो के डिजाइनर गॉडजिला को एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर की तरह बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत टाइम के बाद उसे ज्यादा इम्प्रोवाइज करके एक डायनासोर लिजर्ड और एक ड्रैगन की तरह डिजाइन किया गया था। और हाँ, उस टाइम में गॉडजिला एक पहला मॉन्स्टर था जो कोई भी एनिमल से पूरी तरह से डिफरेंट था, जबकि गॉडजिला से पहले कॉन्ग के कैरेक्टर को भी एक गोरिल्ला जैसे ही स्मार्ट और डिजाइन भी किया गया था। ऐसे ही गॉडजिला के रोर को भी क्रिएट करने से पहले स्टूडियो ने काफी सारे एनिमल के साउंड को एनहांस करके गॉडजिला के रोर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन आखिर में फिल्म के कंपोजर अकीरा इफुकुबे अपने कंट्राबैस से एक स्ट्रिंग निकाला, अपने ग्लोब में एक तरह का फाइन लुब्रिकेंट को लगाकर उसमें से स्ट्रिंग को रब करने लगे, जिसमें से एक फ्रिक्शन और बहुत ही ज्यादा स्क्रैचिंग साउंड निकला, जिसे गॉडजिला का आइकॉनिक रोर को क्रिएट किया गया था। 1971 में गॉडजिला वर्सेस स्मॉग मॉन्स्टर में गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ को यूज करके सबसे पहली बार हवा में उड़ा था, और इस आइकॉनिक सीन को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्टर ने यह भी कहा था कि गॉडजिला को ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग मॉन्स्टर को मारने के लिए गॉडजिला का यह आइकॉनिक पावर को क्रिएट करना ही पड़ा था। आपको ये तो पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया ने अपना खुद का गॉडजिला मूवी का एक कॉपी बनाया हुआ है जिसका नाम है पुलगासरी, लेकिन इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर सीन सैंग ओक को किडनैप भी किया गया था, जो 7 साल नॉर्थ कोरिया में जेल में रहे थे। वाशिंगटन के मोन्टाना में जिला नाम का एक जगह पर जिला चर्च मौजूद है, लेकिन इस चर्च के नाम से पहले बोर्ड लगा दिया गया था जिसे इसका नाम गॉडजिला चर्च बन गया था। इस चर्च में नॉर्मली जीसस को ही वर्शिप किया जाता है, लेकिन इसके नाम को लेकर इस चर्च के पास एक डायनासोर का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, और गॉडजिला चर्च को देखने के लिए काफी सारे लोग चर्च को भी विजिट करने आते हैं। क्या आपको पता है कि गॉडजिला सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लेने वाला फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि गॉडजिला के ऊपर आज तक लगभग 40 से भी ज्यादा मूवीज बनाया जा चुका है, और 15 से भी ज्यादा एनिमेशन मूवीज और सीरीज में गॉडजिला अपीयर भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, तोहो के गॉडजिला ने सभी फ्रिक्शनल कैरेक्टर में से सबसे ज्यादा एड में भी दिखाया जा चुका है। 2014 की गॉडजिला मूवी आने के बाद काफी सारे फैन और जापानीज ऑडियंस गॉडजिला को काफी ज्यादा ही फैट गॉडजिला बताए थे, लेकिन लेजेंडरी गॉडजिला की पॉपुलैरिटी को देखने के बाद गॉडजिला अर्थ और सिंगुलर पॉइंट जैसे गॉडजिला के डिजाइन को भी बहुत ज्यादा बड़ा और फैट भी बनाया जाने लगा। 1997 में पहला गॉडजिला मूवी यानी कि 1985 की गॉडजिला को देखकर एक डायनासोर का नाम गॉडजिलासॉरस भी रखा गया है, जिसका जिन 1981 में पैलियंटोलॉजिस्ट को मिला था।
आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि गॉडजिला वर्सेस बैटमैन मूवी पहले डिस्कस भी किया गया था। ये मूवी तोहो और ग्रीनवे प्रोडक्शन के बीच एक कोलैबोरेशन होने वाला था, लेकिन इसे कभी बनाया ही नहीं जा सका। वैसे ही गॉडजिला वर्सेस मेकानी कॉन्ग नाम से एक और मूवी तोहो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद बनाने वाला था, लेकिन तभी कॉन्ग के कॉपीराइट यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास था और इसके वजह से तोहो ने भी इस मूवी को कैंसिल कर दिया था। वीडियो का आखिरी फैक्ट तो ये है कि गॉडजिला ने एवेंजर के साथ भी लड़ाई किया है। जी हाँ, 1979 के गॉडजिला वर्सेस एवेंजर कॉमिक बुक में गॉडजिला और एवेंजर एक दूसरे के साथ लड़ाई किए थे। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एवेंजर गॉडजिला को न्यूयॉर्क को तबाह करने से रोकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में गॉडजिला के कैरेक्टर को लेकर कुछ इतने ही अमेजिंग फैक्ट्स है, लेकिन इनमें से आपको कितने सारे फैक्ट पहले ही पता थे और आपको और क्या फैक्ट पता है मुझे कमेंट पर भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो और इसी वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अभी तक हमें कितने सारे मैकेनिकल टाइटन दिखाया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।